अब सवाल ये पैदा होता है, तैमूर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, यू हैव बीन द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑल्दो हम आज एक्चुअली सेनेट पे बात कर रहे थे लेकिन चलिए क्योंकि आज आईएमएफ की बात हो ही रही है, कर्जों की बात हो ही रही है, तो जो आईएमएफ आपको कहता है वो आपने कभी पूरा तो किया ही नहीं है, कोई जिंदगी में आपने उनका प्रोग्राम पूरा नहीं किया। और ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए गई है तैमूर, आपकी गवर्नमेंट इसलिए गई है बिकॉज यू पीपल डिसाइडेड नॉट टू कंप्लीट द आईएमएफ प्रोग्राम। ऑल्दो ये इसी तरह भाई कि किसी से कर्जा ले लो और उसके बाद वो आपसे कर्जा लेने आए और उसको बोलो मैं तुम्हें चुपड़े लगाऊंगा, भाग जाओ ऐसे, मैं नहीं देता किस्त। नहीं, ये तो कतन सच नहीं है। इनफैक्ट एक चीज जरूर थी कि अगर ऑपोजिशन का प्रेशर ना होता तो शायद आखिरी चंद महीनों में कुछ फैसले करना ज्यादा आसान होते, लेकिन ये तो आईएमएफ के लोग ही आपको कह देंगे, ऑफ द रिकॉर्ड कह देंगे, पता नहीं शायद ऑन द रिकॉर्ड भी कह दे कि पीटीआई की हुकूमत की एंगेजमेंट में क्रेडिबिलिटी ज्यादा थी। और उसका मैं आपको सबूत ही दे दूं, मिफ़ता इस्माइल ने उनके साथ एक डील की, 3 हफ्ते बाद उनको हटाया गया। जिस बंदे को लाया गया इसाक डार साहब को, उन्होंने कहा कि मैं आईएमएफ से आंख में आंख मिला दूंगा, डॉलर से भी आंख में आंख मिला दूंगा, और डॉलर जो है वो नीचे जाना जो है वो शुरू हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं क्यामत के दिन एक ही चीज कहूंगा कि मैंने जो है वो मुल्क की इकोनॉमी ठीक कर दी, इतनी ठीक कर दी कि 2 साल बाद अभी हम वही रोना रो रहे हैं कि इकोनॉमी कहाँ पे पहुंच गई, और जिस इसाक डार ने उसके साथ निकाल दिया गया। आईएमएफ जो हमें कह रहा है वो बुनियादी तौर पे ठीक कह रहा है, और एक टाइम आ गया है जहाँ पे हमें वाकई जो है वो अगर इस मुल्क की मईशत ठीक करनी है तो हमें इस मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत तब्दीलियां लानी। लेकिन जहाँ पे ये चीज गलत हो जाती है ना, जैसे आईएमएफ जो है या कह रही है या उससे कहलवाया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल आप सूबों से शेयर वफाक को दे दें, ये वही पुरानी कहानी है जो मैंने पिछले एनएफसी में 2018 में सेक्रेटरी फाइनेंस को सुनाते हुए जो है वो सुना था, और मैंने उस वक्त भी रिबट किया था। हालांकि अब हमारी अपनी हुकूमत है कि चैलेंज ये नहीं है कि सूबे के पास पैसे ज्यादा है या वफाक के पास पैसे ज्यादा है, फिलहाल तो फैक्ट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को ले लें तो वफाक एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक 300 से 400 अरब रुपए इस सूबे का कर्जदार है। और जब खैबर पख्तूनख्वा की फिस्कल स्पेस कम होती है, इसीलिए होती है कि कंट्रोल सारा वफाक के हाथ में। लेकिन आईएमएफ को जब कहलवाया जाता है कि आप जी सूबों से जो है वो पैसे वफाक को ले लें, जो बुनियादी पॉइंट है जासमिन, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि हमारी तो उतनी टैक्स कलेक्शन ही नहीं है। आज से 20 साल पहले 9% टैक्स टू जीडीपी होता था, आज भी 9% टैक्स टू जीडीपी है। पूरा मुल्क ये चाहता है कि हम सरकार में आके मुलाजिम बने, 40 साल हमें तनख्वाह मिलती जाए, 40 साल हमें पेंशन मिलता जाए, सब कुछ जो है मुफ्त का हो, लेकिन पैसे अर्न करने का कोई तरीका ना हो। अगर हमने मुल्क का सोचना है तो ये निज़ाम बदलना है, लेकिन इसमें आखिरी बात, ये निज़ाम वो हुकूमत अवाम से नहीं बदलवा सकती जो कि रिगिंग के बाद भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, पीपीपी के सहारे वो हुकूमत करे, और उसका अपना मैंडेट क्वेश्चनेबल नहीं हो। ऑफ द रिकॉर्ड हर किसी को पता हो कि अगर एक बार काउंटिंग हो जाए तो इनकी हुकूमत बनती नहीं है। ये चैलेंज जरूर है। अच्छा तैमूर, मुझे एक बात बताइएगा कि अभी आपके चीफ मिनिस्टर हाल ही में जो गए थे, वजीर आजम से मुलाकात हुई, उसके बाद एक अच्छा मौके सामने आया कि जी चले लग ऐसा रहा है कि अब साथ कुछ चलने की, या एटलीस्ट सूबों के हद तक जो आपके आईनी ओहदे हैं ना, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आपस की रंजिशें तो नहीं होंगी, क्योंकि मुझे वो जमाना भी याद है जब परवेज खटक साहब अपने सूबे से पूरी फौज और पुलिस और बंदे लेके आ गए थे, और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा वो जो क्लैशेस का जमाना था। सो पीटीआई हैज लर्न्ड एंड मूव्ड ऑन। अब इस जेस्चर का क्या मतलब है? और दूसरा मुझे ये भी कमेंट कर दें कि आपके पुराने साथी आजकल बहुत ज्यादा माशाल्लाह बोल रहे हैं, और वो एक इदारे के खुद साख्ता अपॉइंटेड स्पोक्सपर्सन भी बन चुके हैं, और मुझे नहीं पता वो लेजिटिमेटली बन चुके हैं या वो खुद ही बन गए या उनको कोई मैंडेट दिया गया बनने का। वो कह रहे हैं जी सीएमकेपी की तो 2.5 महीने में उड़ जाएगा, अमीन गंडापुर ने तो रहना नहीं है, और हुकूमत 2 साल में गई। वो सेनेट के लिए भी इंतखाब लड़ रहे हैं, अब ये नहीं पता कि उनको कौन वोट डाल रहा है, कौन सी पार्टी बैक्ड है। वो अच्छा, मेरे ख्याल में आपका जो दूसरा पार्ट था सवाल का, फैसल वावडा की तरफ आपका इशारा है, बस अक्लमंद को इशारा काफी होता है। नहीं, वो तो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट की थी, तो इसलिए चूंकि आपने वो स्टेटमेंट दी है। देखिए, जो पहली बात है उस पर मैं क्लियर और सिंपल जवाब दूंगा। अली अमीन खान प्राइम मिनिस्टर से मिले, ये आपकी बात ठीक है कि वफाक में हुकूमत इललेजिटिमेट क्यों ना हो। अब वो अगर वफाक की हुकूमत पे काबिज है, कम से कम जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसमें एक एंगेजमेंट के बगैर मुल्क बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। तो उस पर तो मेरे ख्याल में लोगों ने अप्रिशिएट किया, अली खान की तनकीद भी हुई है, लेकिन आई वुड एक्चुअली गिव अनक्वालिफाइड सपोर्ट, दिस इज द राइट स्टेप। इसका ये हरगिज मतलब नहीं हो सकता कि हम या वफाक की लेजिटिमेसी को माने या हम इन दो प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इमरान खान और सारे जो पॉलिटिकल कैदी हैं, उनके ये पॉलिटिकल केसेस खत्म किए जाएं, उनको रिहा किया जाए, और जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मैनूवर्ड इलेक्शन था, सबसे लेजिटिमेट इलेक्शन था, कि उस सारी प्री पोल रिगिंग के बाद भी कम से कम जो वोट डाले गए हैं वो गिने जाएं। अगर उसके बाद पीएमएलएन को वजीर आजम की कुर्सी मिलती है तो शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ खुद बन जाए, लेकिन ये पहली बार होगा कि एक पार्टी वोट गिनने से डर रही है। जो दूसरी बात है, देखिए मैं यही कहूँगा, आई थिंक एक टाइम आ गया है, जो आपने फैसल वावडा की तरफ इशारा किया, कि हम बेसिकली ये बिहाइंड द कर्टन्स की सियासत से आगे बढ़े। हर पार्टी ने ये कहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी जो है वो कहती तब तक ये है जब तक उसको खुद जो है वो गवर्नेंस करने का या हुकूमत बनाने का जो है वो मौका नहीं मिलता। उसमें अगर आप देख लें पीएमएलएन भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।